Hello everyone, welcome to my channel Kamal Nursing Guide. In today's video we will discuss about intravenous fluid or IV set. So please have a look on this diagram of intravenous set. This is spike. The sharp edge of this side is known as a spike, which is inserted into the glucose or any fluid bottle. And this is air vent. एयर वेंट ये उदो यूज़ करया जांदा जो चैंबर दे विच हवा भर जांदी है, हवा नू कढ़न दे लई एयर वेंट वरत्या जांदा। ते नैक्सट वाले पार्ट नू चैंबर कहिंदे ने, एंड देर आर फिल्टर्स अटैच्ड इनसाइड टू दिस चैंबर, एंड आफ्टर दैट देर इज ट्यूबिंग, एंड दिस इज़ नोन एज रेगुलेटर और यू कैन से फ्लो रेगुलेटर। इहदे नाल जिहड़ा उहदा फ्लूड का फ्लो हुंदा उन्हें कंट्रोल किया जाता, वध जां घट भी किन्ने एम एल ते सैट करना वह सैट किया जाता है। नैक्सट फिर ये ट्यूब मर्ज हुंदी आ इंजैक्शन साइट दे विच जिथे कैनूला लगता इंजैक्शन साइट दी। ओके, एंड नैक्सट कैनूला, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैनूलास दैट आर यूज फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। सो फर्स्ट देर इज ऑरेंज कलर्ड कैनूला दैट इज़ ऑफ 14 गॉज। इट इज़ ऑफ 14 गॉज एंड इट इज़ यूज फॉर एडल्ट्स, और इफ देर इज़ एनी मेजर सर्जरी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दैन दिस कैनूला इज यूज। नैक्सट वन इज़ ग्रे कलर्ड कैनूला ऑफ 16 गॉज एंड देर इज़ 180 ml पर मिनट फ्लूड फ्लो रेट थ्रू दिस कैनूला एंड दिस इज़ यूज फॉर अडल्ट। एंड ग्रीन कलर्ड कैनूला ऑफ 18 गॉज विद फ्लो रेट ऑफ 80 ml पर मिनट इज यूज फॉर अडल्ट। एंड पिंक एज द कलर सजेस्ट दैट इज इट इज़ यूज फॉर चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, न्यूनेट्स। ओके, पिंक कलर्ड कैनूला ऑफ 20 गॉज 55 ml पर मिनट फ्लो रेट इज़ यूज फॉर अडल्ट प्लस इनफेंट्स। इनफेंट्स के लिए भी यूज़ कराया जाता पिंक कलर का कैनूला। नैक्सट वन इज़ ब्लू, 20 गॉज होंगी है ब्लू कलर कैनूला की, ये 30 ml पर मिनट का फ्लो रेट हों, यूज़ कराया जाता ओल्डर चिल्ड्रनस के लिए तो अडल्ट। नैक्सट इज़ येलो कलर्ड कैनूला, यदि गॉज होंगी है 24 गॉज तो ये 20 ml पर मिनट जो फ्लूड का फ्लो रेट हों हों, एंड यूज़ कराया जाता चिल्ड्रन, न्यूनेट्स, ओल्ड पीपल्स के लिए, ओल्ड अडल्ट। ओके, नैक्सट वन इज़ पर्पल, यदि गॉज होंगी है 26 गॉज एंड यद फ्लो रेट हों 50 ml पर मिनट, ये फ्लूड फ्लो करता। यह सिर्फ पीडियाट्रिक्स मीनस न्यूनेट्स, इनफेंट्स उन्होंने लिए यूज़ कराया जाता वा। मोस्टली हॉस्पिटल दे विच ये सारे कैनूलाज अवेलेबल होंदे आ, बट नर्सिंग फील्ड दे विच ज़्यादा 20, 22, 24 गॉज दे कैनूलाज ज़्यादा रखने जरूरी है, क्योंकि यह ज़्यादा जरूरी है, ये ज़्यादा वरते जाते हैं। एज आई अर्लीअर सैड 20 गॉज इज़ यूज फॉर अडल्ट एंड इनफेंट्स, 22 गॉज इज़ यूज फॉर ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट, 24 गॉज इज़ यूज फॉर चिल्ड्रन, न्यूनेट्स एंड ओल्ड पीपल। ओके, एंड एग्जामिनर विल ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट। सो फॉर द फ्लो रेट, वॉल्यूम ऑफ इन्फ्यूजन इज इक्वल टू टाइम ऑफ इन्फ्यूजन इन मिनट्स इंटू ड्रिप फैक्टर ड्रॉप पर ml। सो यू कैन कैलकुलेट द फ्लो रेट बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ इन्फ्यूजन, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू इन्फ्यूज 1 liter ऑफ फ्लूड एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन ml, सो 1000 ml एंड टाइम ऑफ इन्फ्यूजन, किन्ने टाइम के इन्फ्यूज करना वा, ठीक है, किन्ने टाइम के एडमिनिस्टर हो जाना चाहिए, वो लिखना ड्रिप फैक्टर। ड्रिप फैक्टर मतलब किन्ने ड्रॉप पर ml जानी चाहिए है फ्लूड की। जिहड़ा ड्रिप फैक्टर दो चीज़ों पर डिपेंड करता, जिहड़ा ड्रिप वाला सैट हुंदा, इह भी सैट हुंदा, वो मैक्रो ड्रिप सैट हुंदा, एक माइक्रो ड्रिप सैट हुंदा। मैक्रो ड्रिप सैट दे विच 10-20 ड्रॉप्स पर ml उहदे विचों फ्लूइड दीआं जांदीआं, ठीक है। जिहड़ा माइक्रो हुंदा वा उहदे विच 60 ड्रॉप्स पर ml जांदीआं ने,
जिहड़ा ड्रिप फैक्टर ड्रॉप पर एम एल जिहड़ी जांदी आ वो मैक्रो ते माइक्रो ते डिपेंड करदी आ। सो तुसी जिहड़ा कैलकुलेट करना वा इनफ्यूजन रेट जां फिर तुसी एक होर फॉर्मूला वो भी ला सकते हो फ्लो रेट नूं पता करन दा इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ओवर इनफ्यूजन टाइम। टोटल वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल थोड़े को 1000 एम एल आ, टाइम तुसी इनू 4 घंटे दे विच हो करना वा, ठीक है। तो थोड़ा ये फ्लो रेट आएगा 250 एम एल पर आर, ठीक है। यदा फ्लो रेट आ गया 250 एम एल पर आर। ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, और यू कैन गूगल दीज फॉर्मूलाज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, एंड इफ यू वॉन्ट मोर कंटेंट रिलेटेड टू नर्सिंग सिलेबस सो यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन गाइज योर टॉपिक्स, एंड आई विल बी देयर एज सून एज पॉसिबल विद योर सजेस्टेड टॉपिक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like the video if you like it, and you can also share this video with your friends that are related to nursing field. Okay guys, have a nice day ahead.